गाइस ऐसे काफी सारे पॉपुलर पीसी गेम्स है कि भाई लोग चाहते हैं कि वो मोबाइल पर आ जाए, जैसे GTA 5, साइबर पंक या फिर काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव। तो फिकर नॉट गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट पीसी गेम्स के पॉपुलर क्लोन दिखाऊंगा जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। और गाइस कुछ क्लोन तो पीसी गेम्स से भी ज्यादा बेटर है, तो भाई वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए। गाइस अभी हमें बताने की जरूरत नहीं कि CSGO कितना ज्यादा पॉपुलर गेम है, लेकिन गाइस CSGO मोबाइल पे रिलीज ही नहीं हुआ, इसके वजह से भाई काफी सारे से डेवलपर्स हैं जिन्होंने भाई CSGO का क्लोन बनाया है, लेकिन भाई उनमें से हमारा वन ऑफ द बेस्ट क्लोन निकल के आता है, उसका नाम है दी ओरिजिन्स मिशन। गाइस ये गेम कई मामलों में CSGO से भी ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग कैरेक्टर्स दिए गए हैं, अलग अलग स्किल्स दी गए और भी भाई बहुत कुछ दिया गया है, तो भाई गेम बहुत ही ज्यादा अच्छा है CSGO से। लेकिन ये गेम भाई ऐसे काफी सारे कंट्रीज है जिनमें गेम अवेलेबल नहीं है, तो भाई आपको VPN लगा के इस गेम को खेलना पड़ेगा। फिर मैं बात करता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी फॉर मॉडर्न वॉरफेयर 2007 वाला। हाँ मैं नए वाले की बात नहीं कर रहा, क्योंकि गाइस वो एक अलग गेम है और काफी ज्यादा डिफरेंट है। गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था अपने टाइम में। देखो भाई एक तो इस गेम की स्टोरी अच्छी, ग्राफिक अच्छे, गेम प्ले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा, तो भाई इसका भी एक किलो निकल के आया था 2012 में, वो भी मोबाइल के लिए। इस गेम का नाम था मॉडर्न कॉम्बैट 3, जो कि भाई लिटरली कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर जैसा लगता है। भाई गेम की जो UI है भाई वो भी कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर की कॉपी की गई है। गाइस इस गेम जो डेवलपर है जिनका नाम है गेम लोट भाई, वो काफी ज्यादा अच्छे गेम्स बनाते हैं। मिसाल की बात जो गेम पीसी पर नहीं रिलीज हुआ या फिर उसका क्लोन बनाएंगे या फिर उसी गेम को ही बनाएंगे परमिशन लेके, लेकिन भाई इनके गेम्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। फिर हम लोग उस लेजेंडरी गेम की बात कर रहे हैं जिसके भाई करोड़ों में क्लोन्स बन चुके हैं। हाँ मैं GTA 5 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई लोग लिटरली क्रेजी है इस गेम पे। काफी सारे गेमर्स कहते हैं कि भाई GTA 5 मोबाइल पे आ जाए, कुछ बेचारे तो भाई GTA 5 के गेम प्ले देख के ही गुजारा कर लेते हैं। लेकिन ना 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 भाई, अभी आपको कोई गुजारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई अभी आपको GTA 5 ओरिजिनल मोबाइल पे मिल रहा है। गाइस GTA 5 का एक फैन मेड है, जिसमें आपको GTA 5 का लिटरली भाई पूरा मिशन मिल जाता है प्रोलॉग वाला। गाइस इस गेम को इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है कि भाई लिटरली ऐसे लगता है कि जैसे आप GTA 5 को ही खेल रहे हो ओरिजिनली, और भाई ऐसे लगता है कि भाई ये गेम हमने प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया है, वो भी रॉकस्टार वालों की वेबसाइट से। भाई मुझे पता नहीं है कि आजकल के डेवलपर क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई ये गेम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इस गेम को ट्राई करना बनता है। गाइस जब आप इस गेम का साइज सुनोगे तो भाई आप लोग बिल्कुल क्रेजी हो जाओगे। गाइस इस गेम का साइज 100 MB का अंडर मिलेगा और गेम 2GB RAM में इजीली वर्क कर जाता है। भाई गेम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो गेम को जरूर ट्राई करना। गाइस फिर मैं एक ऐसे गेम के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि CSGO से भी ज्यादा बेटर है। हाँ मैं वैलोरेंट की बात कर रहा हूँ। देखो भाई वैलोरेंट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, काफी सारे CSGO के प्लेयर्स है जो कि भाई वैलोरेंट पे शिफ्ट हो गए। देखो भाई राइट गेम ने तो ये कंफर्म कर दिया है कि वैलोरेंट मोबाइल पे आएगा, लेकिन भाई इसका जो वन ऑफ द बेस्ट क्लोन है जिसको भाई एक साल हो चुका है। गाइस जैसे मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गेम लॉफ्ट पीसी गेम्स के क्लोन बनाता है, वैसे ही कंपनी जिसका नाम है NetEase भाई वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्लोन्स बनाती है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बेस्ट होते हैं। गाइस बेसिकली हाइपर फ्रंट के दो वर्जन बन चुके हैं, एक का नाम है हाइपर फ्रंट जो कि ग्लोबल वर्जन है और दूसरा भाई इसका लाइट वर्जन है। दोनों गेम सेम है, बस ग्राफिक का ही डिफरेंट है। अभी गाइस कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल अपने आप में काफी ज्यादा पॉपुलर गेम हो चुका है। देखो भाई गेम जब रिलीज भी नहीं हुआ था तभी भाई इस गेम की बहुत ही ज्यादा हाइप थी, लेकिन भाई इसका एक पहले ही क्लोन आ चुका था इसके अनाउंसमेंट से पहले, जिसका नाम था कॉम्बैट मास्टर। भाई इस गेम का बेसिकली सिर्फ मल्टीप्लेयर मोड है, लेकिन भाई गेम इतना ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया था कि भाई लोग चाह रहे थे कि भाई कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन मोबाइल आ जाए, लेकिन भाई उसके ही कुछ महीनों बाद कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन की भी अनाउंसमेंट हो गई। गाइस इस गेम की वन ऑफ द बेस्ट बात मुझे ये लगी कि आप इस गेम को ऑफलाइन में भी खेल सकते हो, और गाइस इसके जो बॉट्स है भाई लिटरली रियल प्लेयर से कम नहीं है। फिर भी गाइस ये गेम काफी ज्यादा अच्छा था और अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो हाँ यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। आई होप कि आपको भाई गेम्स बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो बस यार मैं भी जा रहा हूँ, इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।